का इंटरव्यू का वेन्यू पता, वो गूगल मैप होता है ना, उस पर लोकेशन ऑन कर लिया एंड देन यू आर गोइंग ओके ला 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 ला। Good morning, good afternoon और good evening. My name is Nisha and I welcome you all back to my channel. जैसा कि हम सबको पता है कि जब भी इंटरव्यू की बात आती है we tend to get nervous. लेकिन उस नर्वसनेस को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से कंट्रोल करना है और अपना इंटरव्यू किस तरीके से स्मूथली पास करना है, उससे रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। बिफोर दैट आई ऑल्सो लाइक टू ऐड कि आपने बड़े से बड़े सिंगर्स के इंटरव्यूज़ देखे होंगे या बड़ा कोई स्पीकर हो उसका इंटरव्यू देखा होगा, वो हमेशा बोलते हैं बिफोर गोइंग ऑन द स्टेज और व्हेन दे वेंट ऑन द स्टेज लाइक इनिशियली, तो उनको नर्वसनेस after so many times they have attended a lot many concerts and live shows, after that also when they go they get nervous. तो ये बहुत ज़्यादा natural है, इसमें कोई tension लेने की बात नहीं है, बस इसको थोड़ा कंट्रोल करना आ जाना चाहिए, किस तरीके से हैंडल करें कि सामने वाले को ना पता चले कि हम नर्वस हैं। तो ये सारी कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स या पॉइंट्स शेयर करूँगी आज आपके साथ। सो या let's get started now. Let's discuss the first point and that is do prepare yourself in advance. इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 दिन पहले कपड़े पहन के बैठ जाओ। No, I don't mean that. Do prepare yourself in advance means keep all your documents ready, whatever is required for the particular interview you're going for. और उसके बाद उस जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितना नॉलेज आप गेन कर सकते हैं डू दैट, क्योंकि किसी भी इंटरव्यूअर को ये अच्छा नहीं लगेगा दैट यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ पे उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ पूछ लिया और आपको नहीं पता। दैट विल शो देम कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, अदरवाइज आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ रिसर्च करके रखते हैं, आपको पता ही नहीं है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में है क्या, आप बस ऐसे उठ के इंटरव्यू के लिए आ गए। सो दे विल डेफिनेटली नॉट लाइक दैट और उससे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले से थोड़ी जानकारी रखना ज़रूरी है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज सपोज आपका इंटरव्यू कल है तो आज रात को टेक प्रॉपर स्लीप, रेस्ट वेल, 8 घंटे का स्लीप विदाउट ब्रेक। और साथ में आप कल इंटरव्यू है, आज ये मत सोचिए कि इंटरव्यू में क्या होगा अगर मैं इसका जवाब नहीं दे पाया या अगर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो इससे क्या होता है, ये जो नेगेटिव क्वेश्चंस आप सोचते हैं ना, इससे आपके अंदर और नर्वसनेस आती है, आप अंडर कॉन्फिडेंट होते जाते हो। तो ये नहीं करना है हमें, राइट। So if you have to think, only think positive questions like, okay, so what if they'll ask me this question that why do you want to become a cabin crew? So what should I answer? Think that. Don't think कि यार मैं क्या आंसर करूँगा। Don't think this way. Think positively. तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा उससे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकती हैं, आपको नर्वस कर सकती हैं, तो उनका ध्यान रखना है। तो ये हो गया पहला पॉइंट दैट डू प्रिपेयर योर सेल्फ इन एडवांस। दूसरा पॉइंट, जब भी सपोज हम किसी पार्टी के लिए जाते हैं, राइट, सो हाउ वी ड्रेस अप नाइसली, है ना, कि मतलब हमें कॉन्फिडेंस आता है, ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो सेम व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, इसका मतलब ये नहीं कि आप पार्टी के कपड़े पहन के जाओ, बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू मेक श्योर दैट यू वेयरिंग सच एन अटायर जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करो। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी पहन लिया, आयरन्ड नहीं है और गंदा है, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा, राइट। तो हमें वो करना ही नहीं है, हमें अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। दिस ब्रिंग्स मी टू द अदर पॉइंट कि काफ़ी लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, और जब मैंने कॉन्फिडेंस की बात की तो मुझे सडनली ओवर कॉन्फिडेंस याद आ गया। तो काफ़ी लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ ओवर एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लाइक एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट। तो पहली बात तो एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट्स आर दे विल नॉट टेक देम, अगर उनको पता चल गया कि आप एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट हो तो, और पता चल ही जाता है। एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट होने का मतलब ये है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो, आप ऐसा दिखाता है, तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ओवर कॉन्फिडेंस इंसान नहीं चाहिए, उनको ऐसा इंसान चाहिए जिसको अपने काम में कॉन्फिडेंस हो, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। अब आप ये बोलोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस, लाइक एक्सट्रोवर्ट्स आर ऑल्सो दैट लाइक दैट ओनली, वो भी बहुत बोलते हैं. सी, बहुत बोलना इज डिफरेंट. ओवर, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस है वो कैसे पता चलेगा? सपोज इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो आपने उसमें कोई ऐसा एक वर्ड सुन लिया जिसका मतलब आपको पता है, जो आपको आपका सुना सुना है, तो आपको लगता है हाँ ठीक है. उसके बाद आपने आगे का क्वेश्चन ही नहीं सोचा सुना, तो क्या पता वो क्वेश्चन कुछ और पूछना चाह रहा हो, और आपके ओवर कॉन्फिडेंस या आप इतने एक्सट्रोवर्ट हो, इसके वजह से आपने उस क्वेश्चन को सुना ही नहीं. नाउ यू आर गिविंग एन इनकरेक्ट आंसर, राइट? ऐसा हो सकता है. तो और एक कॉन्फिडेंट इंसान ऐसा कभी नहीं करेगा. That person will listen to the question very carefully and then that person will answer, right? अब हम बात कर रहे थे अगर आप इंट्रोवर्ट हो, तो इंट्रोवर्ट होने का मतलब है कि अगर आपका नेचर शाय है, आप ज़्यादा बोलते नहीं हो, खुलते नहीं हो किसी के सामने, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. That's not a bad quality. Bad is over extremely extrovert. That you don't have to be. तो अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो उनको एटलीस्ट जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनका आप आंसर जो आप बोलना चाहते हो अच्छे तरीके से कन्वे कर पाओ, राइट? सो दैट इज मोर देन इनफ. उनको उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, राइट? अब ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे आप इंट्रोवर्ट हो तो वहाँ पे जाके बस बैठे हो. यू हैव टू स्पीक, राइट? एटलीस्ट स्पीक हाउ मच इज रिक्वायर्ड. डोंट स्पीक अ लॉट ऑल्सो. सो दैट्स ओके इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट. तो अब हम बात करेंगे कि आपको अपने वेन्यू पे टाइम से पहले पहुँच जाना चाहिए. वी हैव हर्ड अ वर्ड, राइट? पंक्चुअलिटी. तो उसका मतलब क्या होता है कि सपोज आपको टाइम दिया गया है दैट एट 9 o'clock योर इंटरव्यू विल बी इनिशिएटेड, या मतलब ऐसा शुरू होगा इंटरव्यू, तो आपको 9 बजे से पहले, से 8:30 बजे या 8 बजे यू शुड बी प्रेजेंट एट योर वेन्यू, राइट? तो उससे क्या होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा रश नहीं रहता. आप इंटरव्यूअर्स सिर्फ अंदर ही नहीं, इंटरव्यूइंग पैनल के पास या इंटरव्यूइंग रूम में ही आपको नहीं नोटिस करते हैं. देयर आर सम स्टाफ ऑफ देयर्स जो बाहर भी रहते हैं. दे सी दैट विच कैंडिडेट इज लाइक व्हाट एंड हु इज पंक्चुअल, बिकॉज एट एनी ऑर्गेनाइजेशन दे वांट पंक्चुअलिटी, राइट? सो दे नोटिस ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो. तो आपको वहाँ पे जल्दी पहुँच जाना चाहिए. नाउ वन मोर क्वेश्चन, लेट कब होता है आपको वेन्यू पे पहुंचने के लिए? क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आई थिंक ऑलमोस्ट सब यही सोचते होंगे कि हम थोड़ा टाइम पे पहुंच जाए, एटलीस्ट पहले नहीं तो टाइम पे तो कैसे भी पहुंच ही जाए. लेट कब होता है? पहली बात, ट्रैफिक. ठीक है, वो तो कभी भी आ सकता है, नोबडी नोज. तो इतना टाइम फ्रेम हमें अलग से रखना चाहिए अपने पास एक्स्ट्रा, कि अगर ट्रैफिक आ गया तो यू नो वी कैन स्टिल रीच. दूसरी चीज़, जब आपको 2-3 दिन पहले इंटरव्यू का वेन्यू बता दिया गया है लेकिन आप वहाँ पे पहली बार जा रहे हो, वो गूगल मैप होता है ना, उस पर लोकेशन ऑन कर लिया एंड देन यू आर गोइंग ओके ला 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 ला. लेकिन द प्रॉब्लम इज, काफ़ी बार, मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि काफ़ी बार गूगल मैप मुझे कहीं और ही लेके गया और आप कहीं और ही चले गए. फिर आपको सडनली रियलाइज हो, ओ माय गॉड दिस इज़ नॉट द वेन्यू. फिर आप वहाँ से फिर किसी को फ़ोन करोगे एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो इस वजह से भी आप लेट होने के पूरे चांसेस हैं. तो क्यों ना आप जिस दिन आपको वेन्यू पता चला एक बार जाके घूम के आ जाओ वहाँ से, सो दैट यू नो आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं जाके देखा है, मैंने वेन्यू यहाँ है, तो अब मेरे को मतलब मैं सोच रही थी कि मुझे 8:45 बजे मतलब 8:45 में पहुँचना चाहिए, तो अब मैं अगर 8:50 तक भी पहुँचूँ तो चलेगा, मतलब ठीक है. लेकिन मेरे को वेन्यू पता है, एटलीस्ट वहाँ पे जाके ऐसा नहीं होगा जैसे गूगल मैप ने मेरे साथ किया था, राइट? तो दैट ऑल्सो इज़ वन ऑफ द स्मॉल लिटिल पॉइंट्स जब आपको कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट या नर्वसनेस होती है. सो नाउ आई वुड लाइक यू टू नोटिस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और वो ये है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आपकी आवाज़ आपको मदद करती है आपका कॉन्फिडेंस या तो इंक्रीज़ करने में या तो कॉन्फिडेंस की बैंड बजाने में, लाइक कॉन्फिडेंस रिड्यूस करने में. तो कैसे? जिस तरीके से अगर हम नर्वस होते हैं तो हमारी आवाज़ शेक करने लगती है, स्टैमर करने लगती है, तो उससे पता चल जाता है सामने वाले को दैट दिस पर्सन इज़ नर्वस और नॉट. और अगर उसे लगता है कि हम नर्वस हैं, हमें खुद भी रियलाइज़ हो जाता है कि हम नर्वस हैं, राइट? तो हमारे अंदर और ज़्यादा नर्वसनेस आती है जब हमें ये लगता है कि सामने वाले को भी पता चल रहा है कि हम नर्वस है, जो हम नहीं चाहते, राइट? सो हियर वी हैव, व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू एक्ट. हमें एक्टिंग करनी है और सामने वाले को ये बिल्कुल पता नहीं चलने देना है कि हम नर्वस हैं बिल्कुल भी. तो हमें कॉन्फिडेंटली बात करना है, भले अंदर से लाइक वी आर लाइक दिस राइट, बट बाहर से वी हैव टू बी लाइक कॉन्फिडेंट, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट देख के अपना बॉडी पॉस्चर बिल्कुल परफेक्ट करके. नाउ वील लुक, मतलब हमें अंदर से भी कॉन्फिडेंस, जैसे हम जिस तरीके से हम बात करते हैं हमें खुद भी कॉन्फिडेंस आता है राइट. अगर हम अच्छे से बात कर रहे हैं तो हमें अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, बुरे मतलब थोड़ा शेक करके बात कर रहे हैं तो हमें नर्वसनेस आ जाती है. तो कीप दिस इन माइंड एंड नोटिस दिस अबाउट योर सेल्फ एंड देन ट्राई एक्टिंग इफ यू एक्चुअली आर नर्वस. तो क्यों ना अब हम अपनी कुछ गलतियां डिस्कस करें जो हम जनरली कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट हो जाती हैं हमसे. सपोज आपने इंटरव्यू डोर ओपन किया, अब वो तो ऑटोमेटिकली कर दिया आपने ओपन, क्योंकि जैसे आप गए वो हो गया आपसे, यू जस्ट ओपन इट, यू वेंट इनसाइड एंड बाकी सब ठीक है. तो अब यू हैव टू नोटिस दिस दैट डिड यू पुल द डोर, डिड यू पुश द डोर, व्हाट डिड यू डू एग्जैक्टली. बिकॉज see, the interviewers, they can ask anything. This I'm not talking only about the cabin crew interview. In generally, like generally, किसी भी interview में they can ask anything. You don't know the mind of the interviewer, right? So you have to notice the small little things. Did you open the door? Like you pulled it, you pushed it, or you went inside. Now look around once. एक बार देख लो interview room का room को, because I had heard this question somewhere. कि the interviewer asked the candidate that which color wall is behind you. तो आप उस समय मुड़ के तो नहीं देखोगे राइट. सो यू शुड नो. तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप नोटिस कर लेना वेन एवर यू आर एंटरिंग. वो ये देखना चाहते हैं मच यू प्रेजेंट बेसिकली. अब ये जो पॉइंट है वो ये है कि काफ़ी बार ये हो जाता है हमसे कि जैसे ही हमने एंटर किया इंटरव्यू रूम में और हमने सुबह के 9 बज रहे थे, हमने गुड आफ्टर विश कर दिया, वेरी गुड आफ्टरनून और लाइक दैट. तो अब इससे क्या हो गया, हमने कर दी गलती है ना. तो हमें अपने आप वी आर नर्वस नाउ, आवर कॉन्फिडेंस इज गॉन. हमें ऐसा लगेगा दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो अब तो इंप्रेशन खराब हो ही गया. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ऐसा नहीं होता है. इट्स वेरी मच नेचुरल, मतलब हो जाता है ऐसा व्हेन यू आर नर्वस. तो आप ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ कर देते हो. तो जब इनफैक्ट जब जो इंटरव्यूइंग पैनल में जो जजेस बैठे हैं वो भी, जब उन्होंने भी एक टाइम होगा जब उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया होगा तो उन्होंने उनसे भी हो गई होंगी गलतियाँ, वो भी होंगे नर्वस. सो दे कैन टोटली अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू बी नर्वस फर्दर राइट. तो आपको और ज़्यादा आगे भी नर्वस नहीं होते रहना है वही सोच सोच के कि यार वो तो गलती कर दी मैंने, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस इंटरव्यू कैसे भी ये चला जाए. नहीं, ऐसा मत सोचिएगा, बिकॉज दे अंडरस्टैंड, दे विल मेक यू कंफर्टेबल, दे विल काम यू डाउन. नहीं करेंगे कुछ ऐसे लाइक इंटरव्यूअर्स होते हैं जो लाइक दे लुक वेरी स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट देखेंगे वो, बिल्कुल स्ट्रिक्ट लगेंगे, आपको लगेगा ओ माय गॉड दे आर जस्ट गोना किल मी नाउ. ऐसा कभी नहीं करेंगे वो. दे आर जस्ट लुकिंग कि आप कितने कंफर्टेबल, आपको कितने डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला जा सकता है और फिर भी आप उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं. दे जस्ट वांट टू सी दीज स्मॉल लिटिल थिंग्स बाय ऑल देयर बिहेवियर्स. सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल अबाउट दैट. ओके, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको. अब क्या होता है कि आप गए सपोज, ठीक है, आप जाके डायरेक्टली डोंट गो एंड सिट ऑन द चेयर प्रेजेंट देयर, यू सीक परमिशन फर्स्ट. मे आई सिट, समथिंग लाइक दैट, समथिंग नाइस सेंटेंस मेक एंड देन आस्क. डोंट विदाउट परमिशन डोंट जस्ट गो एंड सिट, दैट्स लिटिल डिसरिस्पेक्टफुल आई बिलीव. और अब क्या होता है काफ़ी बार वी गो, वी सेट, परमिशन लेके बिना लिए जैसे भी, वी जस्ट सेट. ओके, नाउ ऐसा भी हो सकता है द इंटरव्यूअर उसने हाथ बढ़ाया आगे हैंडशेक करने के लिए, लेकिन अब तो आप बैठ गए हो है ना. तो आपको लगेगा ओ डैम व्हाट डिड आई डू. तो आप फिर से नर्वस हो जाओगे. कोई बात नहीं, यू कैन स्टिल शेक हैंड्स, यू कैन लाफ एट दैट, लाइक ओ सॉरी, यू कैन डू दैट, दैट्स कम्प्लीटली ओके. दे आर जस्ट चेकिंग दैट यू नो आप द सेम थिंग विच आई सेड, आप कितना, आपको कितने टफ सिचुएशन में डाला जा सकता है फिर भी आप यू आर लाइक कॉन्फिडेंट, यू आर स्टिल कॉन्फिडेंट. तो आप ये छोटी मोटी चीज़ें दे जस्ट वांट टू चेक. तो आप कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. नो दिस पॉइंट यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट, आई मस्ट से. आपको इस पॉइंट के बारे में केयरफुल रहना ही चाहिए और रहना ही पड़ेगा. दैट पॉइंट इज व्हेनेवर एन इंटरव्यूअर इज आस्किंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू, listen to the interviewer carefully. ऐसा मत कीजिए कि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है अभी बट यू इंटरप्टेड एंड यू स्टार्टेड आंसरिंग. नेवर डू दैट, नेवर एवर. ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपके रिजेक्शन का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा. दूसरी बात, जब इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने कुछ सुना दैट ओके टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, उसका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है एंड ब्ला ब्ला व्हाटएवर, ओके, तो अब आपने सुन लिया टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. नाउ आपको लगे कि हाँ ठीक है, क्या है उसके आगे मेरे बारे में कुछ पूछेंगे तो मैं आपके अपने बारे में सब भी बता देता हूँ या बता देती हूँ. नहीं, be specific. Whatever they are asking, answer to that question only. Beyond that, do not answer anything. क्योंकि फिर उनको लगता है same thing, over confident है. जितना पूछा जाए उतना ही बताना है, right? So I think that's all from my end. अगर आपको इस वीडियो से related कोई question, कोई doubt या कोई भी query है तो आप मुझे comment section में ज़रूर comment कीजिए. I'll definitely try and reply to all of you all. प्लस आपको अगर एयर हॉस्टेस कैबिन क्रू से रिलेटेड भी कोई डाउट्स है तो दैट ऑल्सो यू कैन आस्क. साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू नाउ और लेटर, ऑल द वेरी बेस्ट. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.